हमारी आयशा जी जो है एडम साहब की दीवानी, उन्होंने ये कहा कि मैं एडम के तो सभी दीवाने हैं, ये कुछ खास दीवानी है ये खास दीवानी है, बल्ले बल्ले है एडम साहब के, एडम पांचवी बीवी बना ले इसे। हेलो आयशा, बात कर लो अपने एडम से, बात कर लो अभी अपने एडम साहिल ये क्या बदतमीजी चल रही है अरे पहले आई थी, बात ही नहीं करी, चले गई। वो बोले थे एडम साहब आएंगे तो ही बात करेंगे, मेरे एडम आएंगे तो ही मैं बात करूंगी। हाँ भाई बोले आया, देखो ये फैक्ट टॉक बोल रहे हैं, साहिल दोनों को स्पेस दे दे रहा है, चलो मैं स्पेस दे देता हूँ। ये लोग कम्युनिस्ट या साहिल? हाँ भाई आयशा बोलिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एडम और साहिल के नेचर में काफी अंतर है। हम सब जानते हैं एडम ने क्रिश्चियनिटी अपना ली है, वहीं साहिल ने अभी तक किसी भी रिलीजन को नहीं अपनाया है। वो इंसानियत को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद एडम और साहिल की जोड़ी ने भारत में ही नहीं दुनिया के हर कोने में धूम मचा रखी है। हम सब साहिल और एडम को बहुत चाहते हैं, उनकी नॉलेज का सम्मान करते हैं और दोनों के लिए मंगल कामना भी करते हैं। लेकिन आयशा नाम की महिला को एडम से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। अक्सर आप लोगों ने इस लेडी को एडम की लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा। ऐसा लगता है ये लेडी एडम से बात करने का बस बहाना खोजती रहती है। पर आज सेलेना जी ने आयशा की जमकर क्लास ले ली। सेलेना जी ने आयशा से साफ साफ पूछ लिया कि आखिर आयशा चाहती क्या है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। आयशा आती है आपके पास, अभी आई थी 5 मिनट पहले। मैं अरे ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये आयशा आ गई। आप किस बात कर, आप ही आयशा से बात कर। आप लोग शायद मेरी बच्ची के जितने ही होंगे, आप और साहिल शायद उसी उम्र के होंगे, मैं आप लोगों से काफी बड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आयशा बहुत छोटी सी बच्ची है, शायद मेरी बच्ची से भी छोटी होंगी। लेकिन ये आपको कहती है कि इस्लाम को आप डिफेंड करें, नॉलेज पास करें। शैलेना जी, शैलेना जी, चैनल भी आपका, आयशा भी आपकी, मैं और साहिल बैक स्टेज। नहीं सर एडम आप रुकिए ना। अरे नहीं एडम से क्या बात करना है, आयशा आप मुझे बोले, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे पूछिए ना, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे पता है आप जिस हिसाब से एडम को आप कन्विंस करना चाहती है कि आप इस्लाम के बारे में बात करें, नॉलेज स्प्रेड करें, उनके पास बहुत अच्छा है। आपका मैं पिछली स्ट्रीम में भी सुन रही थी, आप ये सब उनको कन्विंस कर रही थी, व्हाई, किस लिए, क्यों? आपको जब इतना समझ में आता है, आप आती है कई बार, आप कितनी बार इस्लाम के बारे में सच बोल के उन बहुत कुछ एक्सपोज कर जाती है आप इस्लाम का, आपको पता भी है, देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग? किस हिसाब से आपको डिफेंड करना है, आपको क्या मिलेगा? आप अभी इस किसी भी चीज़ से गुजरी नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, सोने का लगा हुआ है कौन से हीरे मोती जड़े हुए जिसके पीछे मैं भागूं, मैं कुछ भी नहीं है इस्लाम में, बहुत गंदा इस्लाम है, मैं भुगत चुकी, इसलिए मैं इससे निकल गई हूँ मैं। अब मेरी मम्मी गुजर गई, इसलिए मुझे पूरा, अभी मेरी माँ की कसम टूट गई तो मैंने पूरा इस्लाम छोड़ दिया है, नहीं तो मैं आज तक मैं अटकी हुई थी मेरी माँ की वजह से। लेकिन आप क्यों अटकी हुई है, आपको किसने रोक रखा है, आपको क्या क्या आपको किसकी किस चीज़ की खूबसूरती लगती है इस्लाम में कि आप एडम को फोर्स करती है? एडम तो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी नॉलेज देता है इस्लाम के बारे में। कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप है, ना इसमें मोरालिटी है, ना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पे इनसे सीखने के लिए आती हूँ, मैं इस्लाम को डिफेंड नहीं करती हूँ। आप सीखने कम आती है, आप इस्लाम को डिफेंड करने ज्यादा आती, जितना मैं सुन चुकी हूँ। मैं इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ, मेरी जो नॉलेज अगर आप सीखने आती ना तो आप इस्लाम के बारे में एडम को कन्विंस नहीं करती, एम आई राइट? आप एडम को बोल रही थी, आप हर बार एडम से बात करने आती है और आप आपको शायद गलत, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ कि एडम को एडम जानते हैं इस बात को, मैं कन्विंस नहीं करने आती कि कोई मुसलमान बन जाए या कोई ये बन जाए। आप कन्विंस नहीं करती है उनको कि मुस्लिम बने, लेकिन आप उनको बोलती है कि इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, इस्लाम के बारे में ये। नहीं मैं ये आप गलत बोल रही है, मैं ऐसा नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि किसी रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए, लाइक किसी को जो बुरा है वो बुरा है, व्हाई नॉट? हां लेकिन बुरा कहने,
बुरा कहने का तरीका होता है, ये नहीं कि आप गालियां देने लग जाए, एक तरीका, उस तरीके से बुरा कहा जाता है ना, ये नहीं कि एडम, जितना मैं एडम को पिछले 1.5-2 साल से सुनती हूँ, वो उस वक्त तक उसको कोई, जब तक उसको गैस लाइट नहीं करता है ना, तब तक वो कुछ नहीं बोलता है, वो एकदम शांत होता है, वो अपना सारा रेफरेंस निकालता है, सब कुछ बताता है, वो तब तक बिल्कुल मैं शायद 2 वीक्स से आई हूँ, नहीं आई हूँ बिल्कुल, नहीं हूँ मैं तो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ, तो अभी तुम बिल्कुल नहीं हो ना, लाइक 2 हफ्ते हुए होंगे ऑलमोस्ट, थोड़ी तो मैं भी सीख रही हूँ, तो आपने शायद मुझे गलत परसीव किया है, तो आई थिंक आप मुझे जरा सुने, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ भी। चलो इतना तो समझ में आया कि हमारी आयशा जी जो है एडम साहब की दीवानी, उन्होंने ये कहा कि मैं, एडम के तो सभी दीवाने हैं, ये कुछ खास दीवानी है, ये खास दीवानी है, बल्ले बल्ले है एडम साहब के, एडम पांचवी बीवी बना ले इसे। आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप शायद गलत समझ रहे हैं आपको, कोई नहीं कोई नहीं। शैलीना जी, आयशा जी जो है वो इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती है, उन्होंने अभी कह दिया है, वो समझ रही है, पर आई एम श्योर के कुछ ही दिनों में इनके समझ में भी आ जाएगा और वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी। तो शैलीना जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, एंड आई एम श्योर के यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मुस्लिमास, जो मुस्लिमास सुनती है उनको जरूर आपकी बातें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शैलीना जी। आई होप सो, थैंक यू सो मच आयडम एंड साहिल, एंड आई लव यू सो मच, यू गाइस आर वेरी गुड एट दिस। आयशा एडम से अगर कुछ सीखना ही चाहती है तो स्ट्रीम के बाहर रहकर भी सीख सकती है, पर ये एडम से ही बात क्यों करना चाहती है, ये गौर करने वाली बात है। और बाय द वे, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, शैलीना जी के साथ जो हुआ वो किसी मर्द ने अपनी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन में नहीं किया, उसने जो भी किया है उसने इस्लाम के पन्नों के ऊपर रहते हुए अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया है। सो वंस अगेन, हर जुमा के खुतबे में सुन सुन कर आके अपनी बीवी पे ये सारा हक जमा जमा के और अपना इस्लाम दिखाता है ये आदमी। एग्जैक्टली, सो अगर लोग कहते हैं ना कि ये जनाब एक बंदे का एक्शन है तो दे आर रॉन्ग। मैंने आज की स्ट्रीम में सारे रेफरेंस, अभी बहुत सारे रेफरेंस मेरे पर पड़े हुए हैं, यू कम एंड आप वो वाली बात बोलो और मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। अभी मेरे पर ढेरों रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, हदीसें और कुरान भरा पड़ा औरत को बीट करने के ऊपर। और क्वाइट फ्रेंकली, मैं इस चीज पे कोई फखरिया तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन आई वॉज वन ऑफ दीज पीपल, राइट? तो मैं भी इन्हीं लोगों में से था। तो वंस अगेन, दिस इज द रियलिटी, इस्लाम गिव्स अ मैन सुपीरियरिटी ओवर वुमेन, लाइक अ वुमेन इज हर प्रॉपर्टी, कि औरत उसकी प्रॉपर्टी है, बीवी नहीं है, प्रॉपर्टी है। This is reality. This आज आपने पूरा करेक्ट वर्ड बोल दिया, प्रॉपर्टी बोल के, उसके साथ में जो मर्जी आए चाहे करो, चाहे उसको इसके साथ कुछ भी होता, आप समझो कि अगर आप उसको रोज रोज मारते हो हर एक छोटी बात पर, तो सोचो कि अगर कल का जख्म आज भरा नहीं है और आप उसको दोबारा मारते हो, तो जिसको पर बीती नहीं है ना तो वो आता है डिफेंड करने, लेकिन जिस पर बीतती है तो उसको पता चलता है कैसा आता है। बट एडम एंड साहिल, आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, आप दोनों साजिद फैजू, आप जो भी हकूक सीकर, आपका जो भी एक ग्रुप है ना, आप प्लीज इसे बरकरार रखें। आप कभी भी, चाहे कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करे, कुछ भी आपके बीच में फूट डाले, कभी आप झगड़ा नहीं करना, कभी अलग नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम जैसे लोग कहीं ना कहीं से इस्लाम से बाहर होते रहते हैं, और नॉलेज भी मिलता है, नॉलेज को बांटते भी है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सुनते समझते भी है। तो प्लीज इसको आप जाने मत देना। एडम, आप तो क्या बोलूँ मैं, आप तो इस नॉलेज का भंडार है, प्लीज आप अपने भंडार को और भी बनाए रखना, और भी इसका वास्ट एक्सपेंड करना, जो भी हो सके आपका अपना भंडार का वेयरहाउस भी बना लेना, लेकिन आप प्लीज अलग मत होना किसी भी बात पे। नहीं नहीं, ये साहिल अलग होने जाएगा तो मैं इसको डंडे मारूंगा, आप टेंशन ना लें। वो तो मेरा मुंबई का है ना, वो तो मेरा मुंबई का बेटा है, मैं तो सुतेला हूँ ना, हाँ वो मुंबई का बेटा, मैं सुतेला है, सही जा रही है शैलीना जी, आप देखिए फूड तो आप डाल रही हैं, फूड तो आप डाल रही हैं। नहीं, तुम मेरे दूसरे छोटे बेटे हो, क्योंकि वो मेरा मुंबई का है तो मेरा पहला बेटा हो गया वो। वाह 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 वाह, मैं बच्चों में फर्क नहीं करूंगी, मैं मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मुझे तो दोनों प्यारे हैं।
हम आपके बेटे हैं, हम आपके बेटे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन अल्लाह कभी नहीं बोला, प्लीज गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया शाहिद, बहुत अच्छा लगा आज आपने आके ना जो स्ट्रीम की जो शान है ना वो आपने बढ़ा दी, और जो टॉपिक था उस पे आपने जो आके बोला तो वाकई में मुझे लगता है कि आज की स्ट्रीम की जो इम्पोर्टेंस थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके आने की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी आपकी स्ट्रीम की शान, आप लोग दोनों ने आज मेरी जिंदगी की शान बना दी कि मुझे आज ऐसे लोगों से बात करने मिला जो असल में इंसानियत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे उन लोगों से बात करने मिला। आपकी स्टेटमेंट सुन के ना मुझे वो फिल्म याद आ गई, मेरे दो अनमोल रतन, राम लखन। नहीं मैं बोलूंगी मेरे दो अनमोल रतन साहिल और एडम। अरे क्या बात है, क्या बात, ला इलाहा इल्ला साहिल आदम रसूलुल्लाह। अरे थैंक यू सो मच, हो गया कोई मुश्किल नहीं। वाह भाई वाह वाह, ऑसम, क्या बात। Oh, that was really awesome. Thank you, Shailina ji. बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. Thank you so much. Thank you both. Thank you both. बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी. Take care. Thank you. God bless you. Bye. God bless you too. Bye. लेडी साहिल साहब, ये तो कमाल हो गया यार, आज की जो स्ट्रीम है मस्त हो गया, मजा आ गया एकदम। Shailina ji ने आज एक साथ दो काम किए, एक तो आयशा की क्लास लगा दी और साथ में ही इस्लामिक कल्ट की पोल पट्टी भी खोल कर रख दी। हेलो आयशा, बात कर लो अपने एडम से, बात कर लो अभी अपने एडम साहिल। ये क्या बदतमीजी चल रही है। अरे पहले आई थी, बात ही नहीं करी, चले गई। वो बोली थी एडम साहब आएंगे तो ही बात करेंगे, मेरे एडम आएंगे तो ही मैं बात करूंगी। हाँ भाई बोले। आया देखो ये फैक्ट टॉक बोल रहे हैं, साहिल दोनों को स्पेस दे दो यार। चलो मैं स्पेस दे देता हूँ ये लोग। कमीनेस्ट यार साहिल। हाँ भाई आयशा बोलिए। सर सारे लोग पागल हो गए सारे। अच्छा खैर, अच्छा मुझे पूछना है आपसे, अगर कोई बंदा मुसलमान है वो क्रिश्चियन नहीं है तो वो क्या जन्नत में जाएगा? अगर कोई मुसलमान तो बेशक जन्नत में जाएगा। नहीं नहीं, अगर वो क्रिश्चियन नहीं बनता, जैसे आप क्रिश्चियन हो तो फिर वो बंदा क्रिश्चियन नहीं है तो मुसलमान मुसलमान तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। नहीं नहीं, आपकी बुक क्या कहती है मुसलमानों के बारे में? मैं वही कह रहा हूँ, मुसलमान जन्नत में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि किसी भी मुसलमान में कोई भी अच्छाई वाली हालत ही नहीं है। बाइबल कहती है, एक बाइबल की एक आयत है, रेवलेशन रेवलेशन 21:8 लायर्स गो टू हेल डिंग डोंग बेल। तो झूठ बोलने वाला जहन्नम में सड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मुसलमान झूठ बोलता है। कुरान के अंदर लिखा हुआ है झूठ बोलो, अल्लाह भी जहन्नम में सड़ेगा क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी झूठ बोला है। तो लिहाजा अल्लाह भी जहन्नम में सड़ेगा, मोहम्मद ने झूठ बोला वो भी जहन्नम में सड़ेगा, तमाम मुसलमान भी जहन्नम में सड़ेंगे, क्योंकि मेरी जो किताब है वो कहती है, वो कहती है रेवलेशन रेवलेशन 21:8 लायर्स गो टू हेल डिंग डोंग बेल। सिर्फ आप जन्नत में जाओगे? हाँ सिर्फ आप जाओगे जन्नत में? सर झूठा तो जन्नत में जाएगा, तो आप फिर आप भी जाओगे ना? तो अल्लाह भी जाएगा ना? अच्छा एक सवाल सिर्फ, मैं सॉरी कबाब में हड्डी बन गया मैं। आयशा जी, अगर अगर जहन्नम, अरे सुनो तो सही, अगर कोई बंदा क्रिश्चियन नहीं है कर लेना। अच्छा सुनो ना, तुम कर लेना अभी सवाल, मैं बस 10 सेकंड के लिए आ रहा हूँ। देर वेट करी थी आयशा, रुकना यार, आप अभी सवाल कर लेना। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एडम साहब का साथ जहन्नम में मिले तो आप जहन्नम में जाना पसंद करेंगी? नहीं जन्म में निकल जाऊंगी। तो एडम पूरी मोहब्बत खत्म, मैं जा रहा हूँ भाई। मुझे लगता है आयशा एडम से कुछ खास चाहती है, और वो चीज जब तक एडम से मिल नहीं जाती है तब तक एडम का पीछा नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, सो प्लीज इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है, आप सबका लाइक शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये क्या बात हुई, यानी कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ रहोगी नहीं, ये क्या बकवास है? आप जन्नत में क्यों जाएंगे? आप भी जन्नत में जाएंगे ना? कैसे जन्नत में जाऊंगा? आपको इतना ज्यादा कुरान आता है, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है इस्लाम का, तो जन्नत में नहीं जाएंगे? तो अगर मैं भी जहन्नम में और अल्लाह भी जहन्नम में, तो तुम मेरे साथ जहन्नम में जाओगी कि नहीं, ये बताओ।
हम जन्नत में क्यों जाएंगे? आप जन्नत में जाएंगे? मैं लेट्स से मैं जन्नत में जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता आप जन्नत में जाएंगे, मुझे लगता आप जन्नत में भाई मैं मुझे तुम्हें लगता है या नहीं लगता? झूठे ने जन्नत में जाना राइट, तुम्हारे मुताबिक मैं झूठा हूँ और अल्लाह भी झूठा है, तो फिर अल्लाह जहन्नम में सड़ेगा कि नहीं? झूठा जन्नत में क्यों जाएगा? इतने छोटे छोटे गुनाह पे जन्नत जन्नत नहीं मिलती। क्या मतलब झूठ पे जन्नत नहीं है तो किस गुनाह छोटे बड़े भी होते हैं? हाँ, कबीरा फगीरा। इसे एक सेकंड, एक बात बताओ, इस चीज को समझने की कोशिश करूं। हाउ कैन गुनाह भी छोटा बड़ा? लाइक गुनाह को डिफाइन कैसे करते हो आप, उसके इंपैक्ट से या किसी से? इंपैक्ट से। ओके, लेट्स लुक इनटू इंपैक्ट। हमने अब इंपैक्ट देखने और बटरफ्लाई इफेक्ट देखने। जरा चुप करके सुनिएगा, गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। आप सड़क पे जाती हैं, ड्राइव कर रही हैं, आपको रोड रेज हुआ और आपने किसी बंदे को गुस्से से ओवरटेक किया, वो बंदा इतना गुस्से में आया वो घर गया, उसने अपने बेटे के ऊपर चीखो पुकार की। आप किस रोड रेज की वजह से? उसने अपने बेटे पे चीखो पुकार की, बेटा बाहर निकला, उसने मोटरसाइकिल पकड़ी, जोर से चलाई, उड़ के वो एक और जगह पे लगा, एक बंदे के साथ लगा और वो उड़ के गिरा और उसका बेटा मर गया। उसका बेटा मर गया, वहां पे एम्बुलेंसेस वगैरह आई और वहां पे रोड बंद हो गई। पीछे से एक बंदा था, वो अपनी बीवी प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहा था वहां पे गाड़ी में। रोड बंद होने की वजह से उसकी प्रेग्नेंट बीवी बच्चा ही नहीं पैदा कर सकी और वहीं पे वो बच्चे के देहांत हो गया। उस बच्चे का देहांत होने की वजह से उस मियां बीवी में लड़ाई हुई और वो उस मियां बीवी की भी तलाक हो गई। उस तलाक की वजह से प्रॉब्लम में आके उस बंदे ने शराब पीना शुरू कर दी और शराब पी पी के उस बंदे ने अपनी जिंदगी तबाह की। और एक दिन वो इतना पागल हुआ कि घर से बाहर निकला और जाके उसने सड़क पे कोई 50 बंदों का कत्ल आम कर दिया। उन 50 बंदों का जो कत्ल आम किया, उन 50 बंदों में से पता नहीं कितने ही लोग अपने घर में कमाने वाले अकलौते लोग थे। अब ये छोटा सा गुनाह उसने किया, तुमने मुझे बताओ इसका इतना बड़ा रिपल इफेक्ट हुआ। अभी मजीद रिपल इफेक्ट में जा सकता हूँ, मुझे बताओ गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? एक रोड रेज इतना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। आपने ओवरटेक किया गुस्से वाला, दिस कॉज्ड एवरीथिंग। गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? कुछ और बात पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है आयशा? आपको बताया कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है पहले ये बताएं। पहले मुझे ये मेरी परेशानियां बताएं, मुसलमान जन्नत में जाएंगे? मैंने पहले बताया हर सिंगल मुसलमान जहन्नम में सड़ेगा, बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि झूठ बोलता है। बाइबल के अकॉर्डिंग हर सिंगल मुसलमान झूठ बोलने वाला जहन्नम में सड़ेगा, झूठ बोलने के अलावा, झूठ के अलावा वो नहीं मानते। हर सिंगल मुसलमान झूठ बोलता है, मुझे एक मुसलमान दिखा दो झूठ नहीं बोलता। यार मैं कुछ और बात, मैंने कहा है मुझे एक मुसलमान दिखा दो जो झूठ नहीं बोलता। और झूठ इतना बड़ा गुनाह है जिसकी इंतहा कोई नहीं, झूठ से बड़ा गुनाह ही कोई नहीं। ये बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तुम नहीं सुन रही, रिवाइंड करके सुनना। बाय, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तुम नहीं सुन रही, रिवाइंड करके सुनना। वेलकम बैक साहिल भाई, आप मुझे अकेले छोड़ गए यार इस अपंग के साथ। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ यार, ऐसे करते हैं यार अपने दोस्त के साथ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।